सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली वर्कशीट नंबर 19 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट mathematics and we will learn and understand the topic estimating the square root। आज हम इस वर्कशीट में स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना सीखेंगे कि हम उसके नज़दीक पहुँचेंगे कि उसका स्क्वायर रूट यही हो सकता है। और आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो बेशक से वो पॉइंट्स में आए लेकिन अगर उसको होल नंबर में देखेंगे तो वही होगा जो हमने एस्टिमेट लगाया होगा। लेकिन उसका एक मैथड है जिसे समझना बहुत ईजी भी है और बहुत ज़रूरी भी है। सो नाउ लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। प्रिया, रिया लुक एट दिस फिगर एंड टेल मी वॉट इज द शेप ऑफ द फिगर। तो देखिए, हेयर इज अ फिगर गिवन इन एट दिस साइड, देखिए, और आप बताइए कि वॉट इज द शेप ऑफ दैट फिगर। ओ यस, इट इज अ स्क्वेयर। यस रिया, इट लुक्स लाइक अ स्क्वेयर बट वी हैव टू मेजर इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए, रिया ने क्या जवाब दिया। रिया बोली कि हाँ, लगता तो ये स्क्वेयर जैसा ही है लेकिन हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ को जब तक हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे बताएंगे, क्योंकि जो स्क्वेयर होता है उसकी सभी साइड्स यानी लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल। तो प्रिया, कैन यू टेल अबाउट द लेंथ एंड ब्रेथ विदाउट मेजरिंग। तो प्रिया उससे क्वेश्चन करती है, क्या तुम इसकी लेंथ और ब्रेंथ बिना मेजर के निकाल सकती हूँ। तो रिया सेड नो, रिया ने कहा नहीं। प्रिया ने फिर बोला, प्रिया सेड कि इफ़ एरिया ऑफ दिस फिगर इज लेट 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ये मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन। और हम उसका अगर स्क्वायर रूट निकाल लें तो एक साइड आ जाएगी हमारे पास और वही फिर हम बता देंगे कि इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। देन रिया सेड हाउ, प्रिया सेड लेट मी एक्सप्लेन यू। तो प्रिया बोली कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। तो अब आप याद रखिए कितना एरिया इसका रखा हमने, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हेयर इज अ टेबल गिवन विच शोज द नंबर्स एंड इट्स स्क्वायर वैल्यू। तो देखिए, यहाँ पर जो टेबल दे रखी है ना उसमें एक नंबर्स दे रखे हैं 1 to 25, फिर उसका स्क्वायर करके जो वैल्यू आती है वो भी यहाँ पर हमें गिवन है। तो ये 25 तक है। अगर आप इसको थोड़ा सा रोज़ लिखें या रोज़ देखेंगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है या 6 का स्क्वायर कितना होता है या 15 का स्क्वायर कितना होता है, आपको लर्न हो जाएगा। इसी के बेस पर हम एस्टिमेट लगाते हैं। तो आज का ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाएगा इस टेबल की हेल्प से। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, दैट मीन्स साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये एरिया का स्क्वायर का एरिया होता है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि उसका एरिया 225 है तो उसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमें एक साइड पता चल जाएगी उसकी। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक अलग मेथड है। वो क्या मेथड है, लेट्स एस्टिमेट। इन द नंबर 225, 5 इज़ द यूनिट प्लेस डिजिट। देखिए, बहुत अच्छा है ये कि आप देखिए उसमें जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मतलब जो इधर राइट से फर्स्ट वाला नंबर होता है वो 5 है। सो 5 इज ऑल्सो अ यूनिट प्लेस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो तो ये मान लीजिएगा जो उसका आंसर भी आएगा ना, स्क्वायर रूट आएगा, उसके भी यूनिट प्लेस पर 5 ही होगा। तो अगर हम इस टेबल को ज़रा ध्यान से देखें तो वी नो दैट 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। देन देखिए यहाँ लिखा भी है, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 एंड स्क्वायर ऑफ 20 इज 400। तो देखिए, जो 225 है वो कहीं इसी के बीच का ही नंबर है क्योंकि वो 100 से तो
ग्रेटर है एंड 400 से लेस है, यानी उसके बीच में हो गया, इन बिटवीन हो गया. देयर इज ओनली वन नंबर बिटवीन 100 एंड 400 विच हैज़ यूनिट प्लेस डिजिट 5 इन इट्स स्क्वेयर, दैट इज नंबर 15. देखिए तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 100 एंड 400 लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में एक ही नंबर ऐसा आता है जिसकी यूनिट प्लेस पर 5 लिखा है, विच इज 15. तो देखिए हो गया ना एस्टिमेट, देयर फोर 15 इज द स्क्वेयर रूट ऑफ 225. और एग्जैक्टली ऐसा है भी, लेकिन ये तो हमने एस्टिमेट लगा के किया. तो चलिए ये तो चलिए हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर नंबर आ गया. नाउ विल ट्राई टू फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ 228. ये तो इनमें से कहीं पर भी नहीं है ना, इसका तरीका क्या है वो हम समझते हैं. द स्क्वेयर रूट ऑफ नेक्स्ट स्क्वेयर नंबर, देखिए 15 का तो हमें पता चल गया 225 है, नेक्स्ट जो नंबर है उसका उसका स्क्वायर कितना है 256. अब देखिए 228 वो इन दोनों के बीच में ही लाई करता है, करता है या नहीं करता है, इन बिटवीन नंबर है 228. देयरफोर 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एंड 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256, विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 228 lies between the numbers 15 and 16, whether it is decimal number, हमें उसको उसमें नहीं जाना, accurate में नहीं जाना, हमें तो estimate लगाना है. तो 15 and 16 के बीच का ही होगा. And the number 228 is more nearer to 225 rather than 256. देखिए जो 228 number है वो 225 के ज़्यादा near है, पास में है, बजाय कि 256 के. तो इसलिए हम मान लेते हैं, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 228 क्लोजर टू 15. तो यू कैन ऑल्सो यूज़ द साइन ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का साइन ये होता है. सो द एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट ऑफ 228 इज 15. अब आपको समझ में आया, और आप जब आपको एग्जैक्टली निकालना आएगा तब आप देखिएगा कि वो 15 के नियर ही आएगा. देन रिया सेड, वाओ दीदी, You have taught me an interesting concept. आपने मुझे एक बहुत बढ़िया concept सिखाया है. So, let's do some practice question. उसके लिए आपको अपनी math notebook निकालना पड़ेगा. So, please take out your math notebook. So, let's estimate the square roots of some other numbers. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ numbers given है, उनके square roots को estimate करना है. Exactly नहीं निकालना, estimate करना है. So, first number is 80. अब हमें क्या करना है, जो हमें टेबल गिवन है उसी में से ही आंसर को कुछ फाइंड करना है और उसका एस्टिमेट लगाना है. अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, उसमें लिखा हुआ है, एंड 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81. तो अब जो 80 है वो इन्हीं के कोई बिटवीन एक नंबर है, 64 और 81 के बीच में, विच मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 80 लाइज बिटवीन द नंबर्स 8 एंड 9. 8 एंड 9 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना. और एंड द नंबर 80 इज मोर नियरर टू 81, जो 80 है वो 81 के ज़्यादा नज़दीक है ना, रादर देन 64, 64 से की तुलना में 81 के ज़्यादा नियर है. तो इसलिए हम एस्टिमेट लगाते हैं, एस्टिमेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 80 इज 9. दिस इज योर आंसर. नाउ द सेकेंड नंबर 356. अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन, अब 356 किन किन के बीच में, टेबल में जरा एक बार नज़र डालिए. अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324 एंड 19 स्क्वायर इज इक्वल टू 361. 356 इसके बीच में ही लाए कर रहा है, विच मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 356 लाइज बिटवीन द नंबर्स 18 एंड 19 एंड द नंबर 356 इज मोर नियरर टू 361 rather than 324. Hence, square root of 356, estimated square root of 356 is 19. This is your answer. Now, let's move on part number 3, 509. फिर दोबारा से एक बार हम टेबल को देखेंगे. According to the table given, 22 square is equal to 444. And 23 square is 529.
तो 509 इन दोनों के बीच का नंबर है या नहीं है? यस, विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 509 लाइज बिटवीन द नंबर ऑफ 22 एंड 23। इसका मतलब जो भी उसका स्क्वायर रूट होगा वो 22 और 23 के बीच का ही कोई एक नंबर है। द नंबर 509 इज मोर नियरर टू 529, यस, रादर देन 444 की अपेक्षा वो 529 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि हैंस एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट ऑफ 509 इज 23 एंड द लास्ट वन इज 628। और अगर आप अपनी टेबल देखेंगे तो वो 25 के स्क्वायर तक ही है, हालांकि आगे भी हम इसको लिख सकते हैं और हमें याद भी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन 25 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 625 एंड द नंबर 628 इज मोर नियरर टू 625 के नज़दीक है नहीं है 628। तो हम ये मान लेते हैं एस्टिमेटेड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 628 इज 25। दिस इज योर आंसर एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं ना तब तक कोई ढिलाई नहीं। Thank you very much.